हेलो साथियों, स्वागत है विनर एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के समांतर स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा है यह हमारे पृथ्वी पर कुछ लंबवत गुजरती है, तो इसके समांतर कौन सी जल संधि स्थित है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है पनामा जल संधि, स्वेज जल संधि, डोवर जल संधि या फिर बेरिंग जल संधि। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के समांतर स्थित है हमारी बेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के समांतर स्थित है। बात करें बेरिंग जल संधि की, तो यह जो है अमेरिका के अंतर्गत आने वाला जो अलास्का है उत्तरी अमेरिका में, उसे जो है अलग करती है रसिया से, रसिया को अलग करती है अलास्का से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। अलास्का तथा रसिया के बीच स्थित है बेरिंग जल संधि, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के समांतर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है अमेरिका के अंतर्गत आने वाला अलास्का रीजन है, जो कि उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। और ये रहा हमारा एशिया का पार्ट, रसिया रूस का पार्ट है। तो रूस और अलास्का के बीच में यहाँ पर स्थित है बेरिंग जल संधि, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा भी यहीं से गुजरती है। तो इसके समांतर जो है यहाँ पे बेरिंग जल संधि देखने को मिलती है। बेरिंग जल संधि चुस्की सागर यहाँ पे स्थित है, एक छोटा सा चुस्की सागर को कनेक्ट करती है बेरिंग सागर से, चुस्की सागर को बेरिंग सागर से कनेक्ट करती है। आगे चल के चुस्की सागर जो है कनेक्ट है किससे, आर्कटिक सागर से, आर्कटिक महासागर से कनेक्ट है। और यहाँ पर बेरिंग जो सागर है यह कनेक्ट है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर से कनेक्ट है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा बेरिंग जल संधि के समांतर गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि यानी स्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि या फिर बॉस्पोरस जल संधि। तो आपका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। यह किनके बीच स्थित है, तो यह जो है ग्रीनलैंड का ये पार्ट दिख रहा है आपको, इतना बड़ा ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि यहाँ पर स्थित है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच। यह जो है वेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को कनेक्ट करती है। यहाँ पर लेब्राडोर सागर है, ये लेब्राडोर सागर है, यहाँ पे डेविस जल संधि है हमारी और ये है वेफिन की खाड़ी। तो ग्रीनलैंड तथा कनाडा के बीच स्थित है वेफिन डेविस जल संधि। याद रखें डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किस जल संधि द्वारा पृथक होते हैं। तो एशिया का पार्ट है हमारा कौन, रूस, और उत्तरी अमेरिका का पार्ट कौन सा है, अलास्का। तो रूस और अलास्का के बीच कौन सी जल संधियाँ हैं, यहाँ पे ऑप्शन है कुक जल संधि, बास जल संधि, डोवर जल संधि या फिर बेरिंग जल संधि। तो राइट आंसर है यहाँ पे बेरिंग जल संधि जो है यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के अलास्का तथा एशिया का जो रूस का रीजन है उनके बीच स्थित है, जो कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एशिया तथा अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, बेरिंग जल संधि। याद रखें बेरिंग जल संधि एशिया को अमेरिका से अलग करती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा हमारा एशिया का पार्ट, जो कि रसिया के अंतर्गत है। रसिया यहाँ पे फैला हुआ है जो कि एशिया में आता है, और अलास्का जो कि उत्तरी अमेरिका में आता है ये फैला हुआ है। इन दोनों के मध्य जो है स्थित है बेरिंग जल संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हार्मूज जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है। आपके ऑप्शन है बहरीन एवं कतर, ईरान एवं यूएई, ओमान एवं यूएई अथवा ईरान एवं यमन। तो दोस्तों, जो हार्मूज जल संधि है यह जो है स्थित है ईरान तथा ओमान के बीच। ईरान तथा ओमान के बीच स्थित है हार्मूज जल संधि, ईरान तथा ओमान के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे ईरान और यूएई दिया है, लेकिन यहाँ पे तो यूएई नहीं होगा, यहाँ पे ओमान होगा। ईरान और ओमान के बीच स्थित है हार्मूज जल संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह जो है फारस की खाड़ी को कनेक्ट करती है अरब के सागर से। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे यूएई से ऐसा लग रहा है कि यह जल संधि जो है यूएई के मध्य स्थित है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो यहाँ पे छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये ओमान का है, जो है ओमान का हिस्सा माना जाता है, ओमान के हिस्से में है। तो हार्मूज की जल संधि जो है
ओमान तथा ईरान के बीच स्थित है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, अथवा कह सकते हैं आपकी फारस की खाड़ी को यह ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। हार्मूज जलसंधि ईरान तथा ओमान के बीच स्थित है। बढ़ते हैं आगे, कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे स्थित है, तो उन दोनों के बीच कौन सी जलसंधि बनती है? आपके ऑप्शन है बास जलसंधि, पाक जलसंधि, डोवर जलसंधि या फिर बेरिंग जलसंधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बास जलसंधि। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच जो है बास जलसंधि स्थित है। तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया का ही एक आइलैंड है। तो यहाँ पे आप फिगर्स के माध्यम से देख सकते हैं, ये रहा ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड, मेनलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया ये है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे तस्मानिया स्थित है। यह जो है यहाँ पर बहुत सारी वेल्स ने आकर सुसाइड कर दिया था, तो इसीलिए सुसाइड आइलैंड भी कहलाता है। तो इन दोनों के बीच स्थित है बास जलसंधि, बास स्ट्रेट स्थित है। यह जो है इंडियन ओशियन को तस्मान सागर से कनेक्ट करती है, और तस्मान सागर जो है आगे चलकर पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर से कनेक्ट होता है। तो बास जलसंधि स्थित है तस्मान तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तस्मान तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच बास जलसंधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलसंधि किन दो देशों के बीच स्थित है, किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं पाकिस्तान को, भारत म्यांमार को, भारत एवं श्रीलंका को, पाकिस्तान एवं ईरान को। दोस्तों जो पाक जलसंधि है यह स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे आपका। पाक जलसंधि स्थित है भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। दोस्तों यहाँ पे पी ए एल के होता है पाक, तो यह स्थित है भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसको आप इस फिगर्स के माध्यम से, मैप के माध्यम से समझ पाएंगे। यहाँ पे स्थित है मन्नार की खाड़ी और ये है बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से कनेक्ट करने के लिए आपका पाक स्ट्रेट जो है यूज किया जाता है। यह स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। बढ़ते हैं आगे, बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है किसको किसको अलग करता है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या फिर प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। तो दोस्तों बेरिंग जलसंधि के नॉर्थ में स्थित है आर्कटिक महासागर और उसके साउथ में स्थित है प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बेरिंग जलसंधि किन दो महासागरों को अलग करती है? तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। इन दो महासागरों के बीच दो सागर स्थित हैं जिनके नाम है चुस्की सागर तथा बेरिंग सागर। तो इन दोनों सागरों को जो है कनेक्ट करती है। यह स्थित है अलास्का तथा रूस के बीच में, इसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यह स्थित है अलास्का और रूस के बीच में। आगे बढ़ते हैं, मलक्का जलसंधि किन दो सागरों को कनेक्ट करती है? आपके ऑप्शन है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, जावा सागर तथा सेबिलीज सागर, मारमारा सागर और एलियज सागर, या फिर जावा सागर तथा जापान सागर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से कनेक्ट करने वाला जलसंधि जो है यह है मलक्का जलसंधि। मलक्का जलसंधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। इंडोनेशिया का यह सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड और मलेशिया का जो आइलैंड है मेनलैंड मलेशिया है, इन दोनों के बीच स्थित है यहाँ पे मलक्का जलसंधि। मलक्का जलसंधि अंडमान सागर को कनेक्ट करती है साउथ चाइना सी से। आगे बढ़ते हैं, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? आपके ऑप्शन है डेविस जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि, मेसिना की खाड़ी या फिर बेफिनोस बोनीफेसियो जलसंधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जिब्राल्टर जलसंधि। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है जिब्राल्टर जलसंधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? तो वह भी जिब्राल्टर जलसंधि कही जाती है। यह स्थित है स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है। यह भूमध्य सागर को किससे कनेक्ट करती है? अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करती है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? डंकन पास, एलिफेंटा पास, या फिर 10 डिग्री चैनल, या फिर अल्बर्टा पास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा अल्फेंटा पास। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे अल्फेंटा पास स्थित है जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका के मुख्य भूमि के बीच में, जो कि कनेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, जल डमरू मध्य किसे कहते हैं? दो सागरों को मिलाने वाली सांकरी जल भूमि जलधारा कहलाती है।
या फिर दो समुद्रों के बीच पतली सांकरी भूमि जो है कहलाती है, या फिर समुद्र एवं स्थल के मिलन स्थल को कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा दो सागरों को मिलाने वाली सांकरी जल धाराएं क्या कहलाती हैं, जल डमरू मध्य कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस साइड पे एक जलधारा है और इस साइड पे एक जलधारा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे दो अलग अलग जलधाराएं हैं, तो ये कनेक्ट हो रही हैं एक सांकरे जल क्षेत्र से जिसे हम जल डमरू मध्य कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, मेडागास्कर और अफ्रीका के मुख्य भूमि के बीच कौन सी जल संधि स्थित है। आपके ऑप्शन है गिनी की खाड़ी, या फिर जिब्राल्टर जल संधि, मोजाम्बिक चैनल स्थित है, या फिर बेरिंग जल संधि स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा मेडागास्कर है यह हिंद महासागर में आता है और अफ्रीका के ईस्टर्न में आता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मोजाम्बिक चैनल जो है यह स्थित है मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में स्थित है, इसे आप इस मैप के माध्यम से देख पाएंगे। ये रहा मेनलैंड अफ्रीका जिसका एक छोटा सा देश यहाँ पे है, एक देश है मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में यहाँ पे एक चैनल का निर्माण हो रहा है जिसे कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। यह जो है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में स्थित है, याद रखें। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है। जल संयोजी मतलब कि यहाँ पे जल संधि पूछा जा रहा है, तो कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। आपके ऑप्शन है बास जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, डोवर जल संधि, या फिर बेरिंग जल संधि। तो दोस्तों जो हमारी जिब्राल्टर जल संधि है स्पेन और मोरक्को के बीच, यह जो है हमारा अलग करती है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यह किन देशों के बीच स्थित है, तो यह स्पेन और मोरक्को के बीच कुछ यूं स्थित है। यह जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोवर जल संधि जोड़ती है किन दो महासागरों को जोड़ती है, या कि दो जल भागों को जोड़ती है। तो डोवर जल संधि बाल्टिक सागर एवं बोथनिया की खाड़ी को जोड़ती है, बिस्केक की खाड़ी या इंग्लिश चैनल को जोड़ती है, इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को जोड़ती है, या फिर सेल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को जोड़ती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर के मध्य स्थित है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर के बीच स्थित है डोवर जल संधि। यह कहाँ पर आती है, तो यह आती है हमारी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में स्थित है डोवर जल संधि, याद रखें। यह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाब अल मंडेब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है। आपके ऑप्शन है लाल सागर और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी, या फिर ओमान की खाड़ी, या फिर अदन की खाड़ी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल सागर को कनेक्ट करती है अदन की खाड़ी से। अदन की खाड़ी कहाँ पर आती है, तो यह जो है अरब सागर की तरफ आती है, जो हमारा अफ्रीका है उसके नॉर्थ में स्थित है, ये खाड़ी देश सारे स्थित हैं और वहीं पे है अदन की खाड़ी। तो लाल सागर जो हमारा है यह कनेक्ट होता है बाब अलमंद जल संधि के माध्यम से अदन की खाड़ी से, और अदन की खाड़ी कनेक्ट होती है अरब सागर से। आगे बढ़ते हैं, हार्मूज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है। तो हार्मूज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, या फिर ओमान की खाड़ी और मशीरा की खाड़ी को जोड़ती है, या फिर मशीरा की खाड़ी एवं अदन की खाड़ी को जोड़ती है, या फिर अदन की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हार्मूज जल संधि है यह कहाँ पे आती है, तो यह आती है ईरान और ओमान के बीच, ईरान और ओमान के बीच में आती है, तो यह इनके बीच स्थित है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य जो है हार्मूज जल संधि आती है, यह जो है ईरान और ओमान के बीच स्थित है। बढ़ते हैं आगे, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है। ऑप्शन है स्पेन और अल्जीरिया, स्पेन और मोरक्को, पुर्तगाल एवं अल्जीरिया, या फिर पुर्तगाल और मोरक्को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जिब्राल्टर जल संधि यह स्थित है स्पेन और मोरक्को के बीच में, स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, स्पेन और मोरक्को। यह जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से ही एशिया और यूरोप एक दूसरे से पृथक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश चैनल कहाँ पे स्थित है। तो इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच है, इंग्लैंड और बेल्जियम के बीच है,
इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में स्थित है। तो दोस्तों जो इंग्लिश चैनल है यह स्थित है हमारा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है इंग्लिश चैनल। और यहीं पे स्थित है हमारी डोवर जल संधि, डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ही स्थित है, यह इंग्लिश चैनल को नॉर्थ चैनल से कनेक्ट करती थी। आगे बढ़ते हैं, आगे है कौन सा जलाशय जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो कौन सा जलाशय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, या फिर अंडमान समुद्र, या फिर बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में तो खुद जो है हमारा स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे जो 10 डिग्री चैनल है यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में स्थित है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल स्थित है, 10 डिग्री अक्षांश स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। आइए इसको हम मिलान करते हैं यहाँ पे। तो बेरिंग जल संधि कहाँ पे स्थित है? बेरिंग जल संधि जो है अलास्का और रूस के बीच आती है, यानी कि ए में जो हमारा हो जाएगा ए किससे कनेक्ट होगा? ए कनेक्ट होगा हमारा थर्ड ऑप्शन से, तो ए का थर्ड हो गया। और डोवर जल संधि यहाँ पे आती है कहाँ पे? डोवर जल संधि जो है स्थित है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच स्थित है, ऑप्शन ए पे सही होगा यहाँ पे। तो हमारा बी जो आ गया उसमें कौन सा आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पे आती है? तो जिब्राल्टर जल संधि यह स्पेन और मोरक्को के बीच आती है, यानी ऑप्शन सी किससे कनेक्ट होगा? फोर से। नेक्स्ट है यहाँ पे पाक जल संधि, तो पाक जल संधि के लिए ऑप्शन नंबर दो सही है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन किससे कनेक्ट हो जाएगा? दो ऑप्शन से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे, A3, B1, C4, D2 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है यहाँ पे आपकी स्थित है एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है, तो ए का कनेक्ट हो जाएगा थर्ड से, यानी ए थर्ड से कनेक्ट होगा। उसके बाद है मलक्का जल संधि, तो मलक्का जल संधि यह किन दो देशों के बीच स्थित है? यह स्थित है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच, यानी बी ऑप्शन कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से। नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग जल संधि यह किन दो देशों के बीच आती है? यह एशिया को उत्तरी अमेरिका के मध्य कनेक्ट करती है, तो ऑप्शन फोर के साथ कनेक्ट हो जाएगा सी, सी किससे कनेक्ट होगा? फोर से। आगे बढ़ते हैं, आगे है हॉर्मुज जल संधि, तो यह कनेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो से, फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी के मध्य, तो डी टू। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही हो जाएगा A3, B1, C4, D2, तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, सही मिलान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पाक स्टेट किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसको हमने कई बार पढ़ लिया, अब तो याद भी हो गया होगा। यह जो है स्थित है हमारा भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कनेक्ट करता है, पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, पाक स्टेट बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से कनेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जल डमरू मध्यों के किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कौन सी जल संधि स्थित है आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर स्थित है डोवर जल संधि, डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डोवर जल संधि। इसी डोवर जल संधि में एक सुरंग बनाई गई है जो कि कनेक्ट करती है हमारा यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से कनेक्ट करती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डोवर जल संधि के मध्य जो है एक सुरंग बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तीर्थरेखा के सर्वाधिक निकट है कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय तीर्थरेखा के निकट स्थित होने वाला जल डमरू मध्य है बेरिंग जल डमरू मध्य, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बेरिंग जल डमरू मध्य यह स्थित है अंतर्राष्ट्रीय तीर्थरेखा के समांतर स्थित है, एकदम नज़दीक स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका ऑप्शन है, आपका क्वेश्चन है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर जो है यह भारत के पश्चिम एवं दक्षिण में स्थित है और फारस की खाड़ी वाले देश जो भी हैं उनके पूर्व में आता है, तो हिंद महासागर को लाल सागर से कनेक्ट करने वाली कौन सी जल संधि है? आपके ऑप्शन है बाब अलमंदेब सिर यूज की जल संधि, या फिर बोस, या फिर
मलक्का जल संधि। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाब अल मंदीप जो है यह हिंद महासागर को कनेक्ट करती है लाल सागर से, हिंद महासागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है। तो इस प्रकार जो है हमने सभी क्वेश्चन आंसर का टेस्ट सॉल्व कर लिया है, और हमें आशा है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन जल डमरू मध्यों से बाहर नहीं पूछे जाएंगे, इन जल संधियों से बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ।